शुक्रवार को सुंदरनगर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए वुमेन क्लब सुंदरनगर एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वुमेन क्लब सुंदरनगर की निदेशिका और चेयरमैन रितु खरबंदा ने बताया कि इस मैराथन में सुंदरनगर को प्लास्टिक फ्री करने के नारे के साथ दौड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वुमेन क्लब सुंदरनगर कई तरह के जन कल्याण के काम करवा रहा है। साथ ही में उनका कहना था कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर साल जवाहर पार्क में एक दिवसीय विशाल लक्ष्मी मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही में उनका कहना था कि इस साल भी यह मेला जवाहर पार्क में 17 नवंबर रविवार को आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन SDM मंडी श्रवण मांटा करेंगे, जिसमें बेबी शो 0 से 1 वर्ष और रैंप वॉक 1 से 8 साल तक की आयोजित की जाएगी। तंबोला गेम्स के अलावा और भी सांस्कृतिक उत्सव इसमें शामिल होंगे। उन्होंने पूरे शहर से अपील की है कि वह इस आयोजन में जरूर पधारे और इस मौके पर प्रधान वुमेन क्लब नरेंद्र कौर साबा, सचिव परनीत खरबंदा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार जी, मैं रितु खरबंदा वुमेन्स क्लब से। हमारा वुमेन्स क्लब पिछले 4 सालों से समाज में कार्यरत है। जहाँ भी कहीं पिछड़े वर्ग हो या हॉस्पिटल में कहीं काम की जरूरत हो, स्लम्स एरिया हो या फिर वृद्धाश्रम में जाना हो, हमने 30 लड़कियों के अनाथ लड़कियों की शादी भी कराई है। तो ऐसे बहुत से कार्य हमारा वुमेन्स क्लब मिलकर कर रहा है। तो इस बार हम लोग इस कार्य को करने के लिए या जो भी हमने बीड़ा उठाया है, हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम विशालाक्षी मेला का आयोजन 17 तारीख को रविवार को जवाहर पार्क में कर रहे हैं। तो सभी शहरवासियों से आग्रह है कि वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस मेले को सफल बनाएं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।